वीडियो मत दिखाओ, ये नई गाड़ी की वीडियो देख रहे हैं, मत दिखाओ भाई, मत दिखाओ। सो गाइस गुड मॉर्निंग आप सबको, हैप्पी होली मेरी तरफ से। आज छोटे वाली होली है जिसपे पूजा वूजा होती है, तो वाली थी, मैं तो सो ही रहा था, मम्मी टीका लगा के चली गई, तो अभी उठाऊँ, टाइम हो रहा है एक, ऊपर चलते हैं, नहा धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, आगे का सीन जो भी होता है मैं बताते हूँ। आज तो जा रहे हैं, तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हैं, एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा। चलो भाई, कौन कौन कहाँ है पहले तो मैं अपनी चद्दर वद्दर फोल्ड कर दूँ, तुम भी खुद कर लिया करो काम, है ना। हैप्पी होली है माता जी को। गाइस आप भी पैर पुछ कर लो, ले गाइस कुछ कर दे, खुश रहो, या सो गई, देखो कल बजट मैं नहा के आ रहा हूँ, खाने के बना रखा है, चलो सो जाओ। ओके जी भैया, आज इन्हें मेरे तरह रोटी खुवाई है, नो चावल वावल ना बढ़ा, इन्हें धमका दिया, इन्हें कह दे चावल खाने तो बन जा। हाँ हाँ, अरे गाइस खा लो, अखरोट खा लो, और कोई इतना पैसा कहाँ था आ रहा अखरोट लाने का, मैं तो आया ही ना, पर किराया आ रहा होगा ना मोटा, 30-35 लाख जो तुम्हारा था पता ना, मैं जा रहा हूँ फिर, ठीक है ओके, बुक करवाने जा रहा हूँ। रोटी तो हैप्पी होली बोल दिया, सुबह ही बोल दिया मैंने, ठीक है चलो चलो, तब हो होली पूजा है, कितने बजे अपने माथे पे टिक करा देखा था मैंने, देख लिया मैं, सुते सुते लगा के। मम्मी क्या कह रहे हो, मैंने ना आटरी थार की, कोई सी मैं मना नहीं करी, कोई भी ले लूं, कोई कुछ भी ले, पक्का मैं पैसे दूं ना, पर और अरे तो पैसे का हूँ मांग रहा, पैसे दे यार अपने कुछ भी ले, मैं ना मत, पक्का ना, ऐसी ऐसी में मजाक में नहीं, सब सीरियस कह रही हूँ मैं, कोई भी ले लूँ, कोई भी ले मेरी तरफ से। सो गाइस फिलहाल मैं निकल गया था घर से, पर मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि गाइस मैं कैश तो लेके नहीं आया, तो कोई बात ना, यूपीआई हो जाएगी पेमेंट, तो कितनी होती है 20-25 हज़ार बुक हो जाती है, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ शोरूम पे। अब ये मत पूछना भाई कौन सी करवा रहे हो बुक, ठीक है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, टाइम आने पर बता दूंगा, ठीक है। एक भाई मिल गए थे, तो वो शायद थोड़ी वेटिंग वोटिंग जो चल रही है गाड़ी पे वो कम करवा देंगे, तो लेट्स गो देयर। करंट तार तार लगाते हुए लगा करंट, दिखाओ भाई क्या दिखा रहे हो, ये इसका पानी है। अच्छा ये कौन, तू पीते हो गया भाई, मैं तो नहीं पीता भाई। भाई यहाँ पे ना एक ठेका था, और ठेके के वजह से होली तो है ही, जाम लगा रखा है रोडों पे। तो भाई मैं घर आया था कुछ काम से, एक डॉक्यूमेंट लेना था मेरे को आपसी, सुन क्या चाहिए तेरे को, कलर कलर खोल दूं, कलर खोल के क्या करवाएगी, पानी क्यों रो रही है, इधर बता पहले, गाइस पूछ रहे क्यों रो रही है, गाइस से बता दे, खाना देर तो दिया, खाना बुरे के क्या खाना है, मम्मी ये क्यों रो है, बुरा खा, खाली खाली बुरा, सूखी बुरा खा है, तो उससे क्या हो जाएगा, नुकसान। अच्छा हाँ ठीक है, क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बुरा तो नहीं खाते, अच्छे बच्चे नहीं खाते नहीं। भाई मैं बताऊँ, आज तो बीटी पे बीटी मिल रहे हैं, शोरूम गया था, पूरी स्टोरी में गाड़ी में बैठ के बताऊंगा, आने दो उसको, रुक जा कहाँ जाएगा, देख लो सके, बंद कर ले, कॉपीराइट लगवा दे, मैंने में कॉपीराइट लगवा दे। और सुना कैसा है भाई, आप बताओ आप कैसे हो, दो तीन दिन हो गए बिना मिले हुए हैं। ना ना तुम तो भाई वहाँ जा रहे हो पायरेट्स ऑफ ग्रेल, अकेले अकेले मैं स्टोरी देख के समझ गया था, यहाँ मैं शोरूम में आन रहा हूँ, सुबह तक गाड़ी ना मिलके दे रही, कोई डिस्काउंट ना दे रहा, कोई वेटिंग मिल रही है 3-3 महीने की, बताओ। अरे गाड़ी तो हाथों हाथ मिल जाएगी, ना मिला है तो करवाओ ना, हाथों हाथ चाहिए मेरे को, हाथों हाथ मिल जाएगी गाड़ी, तो कहाँ है हाथों हाथ, ये अलॉय व्हील जी तो लंबे लंबे से हैंडलिंग में प्रॉब्लम ना होती, अरे मैं चलाऊंगा गाड़ी आज, यहाँ पे रोक, यहाँ पे रोक, मैं चलाऊंगा गाइस, आज मैं इसकी गाड़ी को बताता हूँ अलॉय व्हील के बाद, बाकी शोरूम वाली स्टोरी में इसके बाद बताऊंगा। सो गाइस अब इस पे बातें करेंगे रख के, सो गाइस लेट्स गो, आज झाकड़ की गाड़ी का वो करेंगे कि, अरे इस पे तो कोई फर्क ही नहीं लग रहा, मैंने हैंडलिंग में ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो वैसा का वैसा है, तो फर्क क्या लगेगा भाई, कुछ फर्क हुआ ही ना है भाई, वो बता दे रास्ता, और अब मतलब ऊंचो ऊंचो फील हो रहा है, पहले जैसे मैंने चलाई थी, ले लेना तू अंडरपास से ले लूं, यू टर्न आगे से, फिर हां यू टर्न ले ले, अभी अंडरपास ले लूं, हां यू टर्न की कोई दिक्कत नहीं, यू टर्न ले ले, फिर लेफ्ट ऊपर ले, तो भाई एक भाई साहब झाकड़ वैन जो ट्रक पे बैठा हूं क्या भाई, मैं एक सच बात बताऊं, देख बुरा मत मानियो, थोड़ा सा मेरे को पिकअप कम लग रहा है, तो पिकअप इस गाड़ी में है ही कहां,
अबे पहले से भी तो पिकअप तो इस गाड़ी में है ही नहीं भाई। ना वैसे बता है फर्क पड़ा ना पड़ा थोड़ा बहुत भाई। देख उठने में मेरे को तो ऐसे लग रहा है ज्यादा ग्रिप बन रही है, मतलब एक बार जैसे मैं पंजा दे देता हूं ना, पंजा दे देता हूं ना, वैसे कोई हैंडलिंग वैंडलिंग में और वैसे कोई फर्क ना है, पर मेरे को थोड़ा लग रहा है कि हल्का सा पिकअप में पहले से फर्क है। पुराने टायर से इन टायरों में जब मैं एक बार पंजा दे देता हूँ ना, ये पेस पकड़ लेती है तो ये ज्यादा स्पीड में चलती लगती है मुझे। यू टर्न ले लिया से, मतलब वो जो उन टायरों में था ना उनमें नहीं लगता था, इनमें लगता है कि वो भाई साहब इसमें कुछ नाइट्रो पाइट्रो से डलवा दिए क्या, थोड़ा सा पिकअप में अच्छा लगता है। और ब्रेकिंग भी ना, ब्रेकिंग भी सही है ना, तो कोई दिक्कत ना है। हां ना ब्रेकिंग वेकिंग में कोई फर्क ना है, माइलेज और हैंडलिंग में भी ना है, और हैंडलिंग में भी ना भाई, माइलेज का देख माइलेज 1 पॉइंट कटेगी, 1 पॉइंट कटी है वो तेरे को ही पता होगा भाई, हमें तो हैंडलिंग का और उसका पता लग रहा है, पिकअप मेरे को थोड़ा सा, बाकी जो मैं रोड पे खड़ा था ना सामने से दिख गया था मेरे को तेरे वो तीन डॉट दिख गए थे आगे के येलो याली और दूर से अलॉय व्हील चमकते आ रहे थे। बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, मजा आएगा लगेगी भाई गाड़ी है। भाई यार ये गाड़ी का एक्सपीरियंस तो ये है यार, बस भगाड़ी ना होना कर तो ये वाली एंडेवर बेस्ट है, क्योंकि फिर भी इतनी तो ना बिल्कुल ना भगती भगती है ना, ऐसे तो यार गाड़ी है चलती है क्योंकि कती अल्टो थोड़ी है, पर हाँ अल्टो वालों की बेइज्जती कैसे कर रहा भाई, ये बड़े लोग हैं यार, हम जैसों की बेइज्जती करते हैं ना, बेइज्जती ना, तेरे धोरा अल्टो थोड़ी है, अबे तो किसी के धोरा तो है किसी भाई धोरा अल्टो, मैंने यूं थोड़ी कही है कि अल्टो वाले बेटे वा पहाड़ों की रानी है, तो अब तो जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाना चाह रहा है लोगों के बीच में, कंट्रोवर्सी बात ना है भाई। देखो मेरा मानना ये है कि आपने अलॉय व्हील लगवाया बहुत बढ़िया, और अगर आप वो कर सकते हो ना गाइस, मैं मतलब इनसे बात कर रहा हूँ भाई, से अलॉय व्हील लगवा सकते हो ना तो लगवा लो, एवरेज भी अगर आप अलॉय व्हील लगवाते हो एवरेज भी देख ही सकते हो भाई। देखो दो चीज है, अगर आपकी ड्राइविंग मतलब क्रूजिंग वाली है जैसे तू चलाता है, जैसे मैं चलाता हूँ 40-50, और दूसरा आपकी आपको माइलेज से, हाँ लेफ्ट से ले ले, आपको माइलेज से फर्क नहीं पड़ता है तो आप अलॉय व्हील्स के लिए इजिली जा सकते हो, और 22 इंच इज मतलब गुड अमाउंट, 24-25-26 तो फिर वही बात है टूटने का डर रहता है, जैसे मैंने प्रोफाइल ना 45 करवाई है तो 45 प्रोफाइल में इसको दिक्कत नहीं आती है, 45 प्रोफाइल सही चलती है इसकी, तो उसमें कोई दिक्कत ना है। ये देखिए बदमाश जा रहे आगे थे, बदमाश जा रहे थार में, सब्सक्राइबर जा रहे गाइस रात हिलाते हुए, उन्होंने देख लिया व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, व्लॉगिंग भी। ये तो मैंने इसका एक्सपीरियंस दे दिया अलॉय व्हील्स का, इज इट वर्थ टू स्पेंड, मतलब कि 1.5-2 लाख रुपए लगा रहे हो तुम, बाकी सही है वर्थ है भाई। मेन बात ये होती है, अब मैं बताता हूँ सुबह वाले सुबह से क्या कांड हो रहे हैं मेरे साथ। पहले मैं घर था, वीडियो एडिट कर ली मैंने, उसके बाद मैं निकला शोरूम के लिए। भाई शोरूम पे क्या सीन था, हमारे एक जानकार थे, पर जिस गाड़ी को मैं लेने वाला हूँ ना भाई उस पर 3 महीने की वेटिंग। अब तुम नीचे कमेंट करो कि तुम्हें कौन सा लग रहा है जिस पर 3 महीने की वेटिंग चल रही है, ठीक है। तो वो मैंने बुक नहीं करवाई, मैंने भाई से पूछी, मैं कहा भाई वो डिस्काउंट दे रहे थे मेरे को, पर मैंने कह दिया भाई काम करो डिस्काउंट ना चाहिए मेरे को, आप एक काम करो मेरी वेटिंग तोड़वा दो। अपने कहोगे भाई तुमने वहाँ का ब्लॉग क्यों ना बनाया, भाई जब गाड़ी बुक ही ना करी वहाँ तो मैं ब्लॉग क्यों बनाऊँ, मेरा दिमाग ख़राब होगा। फिर मैं एक भाई को और फ़ोन करा, पर अब उनसे कल होली की छुट्टी पड़ गई, अब परसों जाएंगे उनके पास, और अब भाई मेरा ये सीन है ना मिल देना भाई, मैं ना रिवील कर देता, पर भाई अभी जैसे कि इसे हेल्प मांग लेता कि सब्सक्राइबर से कोई हो किसी कंपनी में, पर मैं रिवील नहीं करना चाह रहा, फिर वो सरप्राइज वाली मूवमेंट है ना ख़राब हो जाती है। तो परसों एक भाई और है उस कंपनी में, उसमें जाएंगे एक बारी और ट्राई करेंगे कि वेटिंग ना मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी गाड़ी आए और जल्दी से जल्दी फिर ट्रिप्स बने उस पर, ठीक है गाइस। ये रहा आज का सीन, बीच में मेरे को फिर एक बार दोबारा घर जाना पड़ गया था, तुम्हें पता होगा जो भी हमारे हरियाणा के भाई सैनिक जाती है होली दिवाली पे, तो उस चीज़ के लिए अब मैं दोबारा निकला था। फिर मैं कहीं एक बार झाकड़ से और मिल के आऊँ, झाकड़ से 2-4 बातें करनी थी मेरे को काम से रिलेटेड, और वैसे भी भाई मैं यहाँ पे गलत आ गया, यहाँ पे मैं ना गाड़ी बुक करवा कार था आज, मेरा माइंड वॉश कर दिया गया है यहाँ पे, और अब दूसरी गाड़ी बुक करवाऊँगा, अब वो देख लेना कौन सी करवाऊँगा, पर है कह रहा आंटी गुद्दी पे मारेगी, आंटी आंटी ने तेरे भी मारे होंगे जब एंडेवर ली थी। अच्छा सॉरी सॉरी, मत दिखाओ ये वीडियो, मत दिखाओ ये नई गाड़ी की वीडियो देख रहे हैं, मत दिखाओ भाई मत दिखाओ, डन कर रहा हूँ कल, ठीक है परसों चल रहे हैं पक्को, ठीक है। और सही बता भाई गाड़ी के बारे में, सही और मेरे रिव्यू चैनल समझ गया, ठीक है आप रिव्यू कर दो, भाई का नया फोन तो देख लो कितने का लिया है गाइस, 1.5 लाख का भाई ये होगा गाड़ी में, देखूँ जरा वो कह रहा आवाज़ आ रही है, रात को बहन तो ने खराब करवा दी थे, खाते खाते आवाज आ रही है, अबे टायर के गूंजी पक गया था वो, हाय सुख ले ठीक है ब्रो, ओके आई विल सी यू टुमारो, तेरी गाड़ी डन करा दी है, हैं गाड़ी डन करा दी तेरी, बताएंगे ओ भाई नहीं डन, यार मैं मेरे माइंड में भी तो कुछ होता है यार, डन है तेरी गाड़ी, अबे नहीं भाई आप लोग सारे देख लेना इसकी गाड़ी डन है और बहुत तगड़ी गाड़ी है, लड़का बैठा हुआ।